अपना डोली भाई जो कि साई बेचता है, नागपुर का काफी ज्यादा फेमस है। उसके पास दुनिया भर के लोग आते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग आते हैं उसके पास साई पीने के लिए। उसी प्रकार से एक लड़की काफी ज्यादा दिल्ली में फेमस हो गई है जो कि वड़ा पाव के नाम से, तो उसके पास इतने सारे लोग जाते हैं वड़ा पाव खाने के लिए। ऐसा क्या है उसके पास कि काफी ज्यादा क्रेज है, काफी सोशल मीडिया पे उसका क्रेज चल रहा है और मीडिया वाले काफी ज्यादा उसके पास जाते हैं इंटरव्यू लेने के लिए और वड़ा पाव खाने के लिए। तो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल। और नमस्कार दोस्तों, आपका भाई दिल्ली की फेमस वड़ा पाव गर्ल के पास खड़ा हुआ है और यहाँ पे देखो इनकी टीम में जो लोग काम कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने आपके तहलका भाई की टी शर्ट पहनी हुई है। आज कई बड़े खुलासे करूंगा, तहलका मचा दूंगा इस वीडियो के अंदर, इतने बड़े बड़े खुलासे करूंगा, सोच नहीं सकते आप। मैन, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई आपके हस्बैंड सपोर्ट में नहीं है, लेडी फ्रंट में रहती है, ये सुनने को मिल रहा है आपको? मेरा बैक तो कह रहे हैं रीढ़ की हड्डी, हाँ वही है। तो भाई आप सामने देख सकते हो जमकर जो क्राउड आप ये देख रहे हो, सारा का सारा ये क्राउड है वड़ा पाव खाने के लिए। और ये कौन सी जगह पर है, किस जगह पर है, सब आपको बताया जाएगा। कितने टाइप के वड़ा पाव अपने पास? प्रकार के वड़ा पाव, बट अभी एक ही चल रहा है बटर। क्या बात है सर, आई लव यू, जबरदस्त। ओ भाई साहब, ये देखो जी, ये वड़ा पाव बहन ने मेरे लिए लगाया है। पहले तहलका भाई खाएगा वड़ा पाव, बताएगा क्या टेस्ट है क्या नहीं। पूछ तो मेरे से हर बंदा रहा है, तो कोई दिक्कत हो तो बताना। तहलका भाई ने पूछा नहीं, डायरेक्ट खड़े हो गए। क्या बात है, जबरदस्त। रूपला सीरी सुरूपला कला कुरूला पकोला किसी लगोला कला सगड़ा है। दीदी का वड़ा पाव बहुत तगड़ा है। इस सड़ने वाली दुनिया तो सड़ेगी, सड़ने वाली दुनिया तो सड़ेगी, पर हमारे देश की नारी ऐसे ही आगे बढ़ेगी। रियली गुड। कैसा लगा आपको टेस्ट? पहले तो हमने इनका वीडियो देखा था। जो हजारों रुपए का खर्चा आता है मुंबई जाने, वो यहाँ पर 50 रुपए में हमें वसूल हो गया। हमने तो जैसा सुना था। तो ओवरऑल आपको तीनों को पसंद आया? के लोग कहते हैं ना चार 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 चार, ये भैया है ना पहले स्टडी में 34 का है, भैया कितने बड़ा भाई है, मुंबई में रहती है, वो अभी कल आने वाली है। मैंने मतलब आपको मैं खिलाऊंगा। हम ये वायरल होने नहीं, हम अपने टेस्ट को वायरल करने आए। भगवान जितनी तेजी से ऊपर पहुंचाता है ना, घमंड उतनी तेजी से जमीन पे भी लाता है। तो उसका कहना ये है कि जो लोग ऊपर जाते हैं वो एकदम से नीचे भी आते हैं। कि अगर आप अपने टेस्ट को वायरल यहाँ करने आए हो, तो जहाँ लगा रहे थे आप वहाँ टेस्ट अपना वायरल क्यों नहीं कर पाए। दूसरी बात, मैंने अपने 2 सालों में अपनी जगह चेंज नहीं करी, मैंने यहीं पर टेस्ट दिया सारी चीजें। इस बीच में मैं एक बच्चे की लाइन बोलना चाहूंगी कि वो बच्चा है, वो हमेशा से लक्ष्मी नगर वड़ा पाव लगाता है, वो तो फिर अपना टेस्ट देने यहाँ नहीं आ रहा ना, तो आप फिर अपना टेस्ट देने यहाँ क्यों आए? मेरी पब्लिक को देने आए, क्योंकि ये भीड़ तो मैंने इकट्ठी करी। और दूसरी बात, जो जितनी तेजी से ऊपर चढ़ता है उतना नीचे गिर गया, या किसकी दुआ से मैं नीचे गिर भी गई तो फिर ये किसको टेस्ट देगी यहाँ पर। नेक्स्ट इसका स्टेप ये रहेगा कि ये जहाँ जो इंसान वायरल हो रहा है वहाँ पर अपनी वड़ा पाव की कार्ड लगाएगी। अभी चलो वड़ा पाव लगा रही है, नेक्स्ट कोई मोमोज वाली फेमस हो गई थी, फिर ये मोमोज पे आ जाएंगी। कुआ खोदने से पहले इंसान ही गिरता है उसमें। कैसा लगा अवंतिका का वड़ा पाव का टेस्ट? वेस्ट है आई गेस, मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो लोग वायरल है फॉर अ रीजन, वायरल है बिकॉज दे हैव अ टेस्ट। दीदी का वड़ा पाव अच्छा नहीं है, वो बुलवाते हैं, दीदी का वड़ा पाव कोई खाने नहीं जाता, दीदी बहुत खूबसूरत है, दीदी को देखने जाते हैं, ये सब लाइन बुलवाते हैं मेरे से। हेलो एवरीवन, जय श्री महाकाल, मैं चंद्रिका गेरा दीक्षित वड़ा पाव गर्ल। आज मैं मिलने आई हूँ हमारे छोटे वड़ा पाव बॉय से। भाई की कुछ लाइन से होती है कि दी बहुत सुंदर है इसलिए लाइन लगी होती है, दीदी दीदी का वड़ा पाव खाने नहीं जाते, दीदी को देखने जाते सारी चीजें। मैं मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो छोटा बच्चा है, तो मुझे सीरियसली नहीं लगता कि वो इतना कुछ बोल सकता है। एक बात बताओ कि आपको सीरियसली लगता है कि दीदी के पास सुंदरता देखने आते हैं? नहीं, वो मुझे ना एक विशाल नाम के जो भाई हैं बिलो का, टेस्ट ऑफ स्ट्रीट, उनका नाम सही से पता नहीं है ना, उन्होंने मेरे से बुलवाया था ये। आप अपने व्यूज के लिए, आप अपने कंटेंट के लिए एक बच्चे को यूज कर रहे हो। आप आज मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ, मुझे उस बच्चे का हाथ जलावा दिखा है, ये फील क्यों नहीं लेते? आपसे यही चीज क्यों पूछा गया कि आपको दीदी से क्या प्रॉब्लम है? ये लाइनें आपको कैसे याद हुई? मेरे को ना ये लाइन याद करवाई गई थी,
ये मेरे को रुक रुक के याद करवाई गई थी लाइनें। दीदी सुंदर हैं, दीदी के पास भीड़ लगती है। दीदी चल गई है तो दीदी से किसी को भी, बच्चे का आपने वो नहीं देखा कि आप बच्चे को नेगेटिव कर रहे हो? घर में मैं ना मजबूरी में यहाँ पे खड़ा होता हूँ क्योंकि पापा के पैर में ना प्रॉब्लम है, इस वजह से। ये बच्चा है तो ये चीज शूट करो, उसको नेगेटिविटी क्यों कर रहे हो आप लोग? हाल ही में उसके पास अभी मिलने गया था अपना डोली भाई जो कि साई बेचने वाला, और तेहलका भाई भी मिलने गया था, और जो चिकन खाता उल्लास वो भी काफी ज्यादा उसके पास वड़ा पाव खाने के लिए गया था। और रही बात दिल्ली का अपना पुण्य सुपरस्टार भी अभी गया था वहां पर उसको मिलने और वड़ा पाव खाने के लिए। तो ऐसा क्या है उस वड़े पाव में, आप लोग खुद सुन लेना और फिर मुझे बताना। और वड़ा पाव मुंबई में काफी ज्यादा फेमस है, मुंबई का दिल्ली में फेमस हो गया वड़ा पाव, तो मात्र 50 रुपये में दीदी देती है और काफी ज्यादा फेमस है वड़ा पाव।